हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की फुल स्टिचिंग बताऊंगी दोस्तों। और इस ब्लाउज की फुल कटिंग का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दी हूँ। अगर आप कटिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कटिंग का वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट को तैयार करूंगी दोस्तों। तो इसके लिए मैं बैक पार्ट को और बेल्ट को साइड में रख दी हूँ और फ्रंट पार्ट को मैं ले ली हूँ। तो इसे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैं जिस प्रकार से कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग भी कटिंग कीजिएगा। तो देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों देखिए, इसे इस तरह से पलटना है और उल्टा सीधा मिलाते हुए देखिए इस प्रकार से ले लेना है कटोरी वाले पार्ट को। इसके बाद जॉइंट लगाना है तो नीचे साइड से, माने इस प्रिंसेस कट ब्लाउज में कभी भी जॉइंट लगाना शुरू करें तो नीचे से जॉइंट लगाना शुरू करें। तो देखिए, इस प्रकार से मैं सिलाई लगा करके स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का कटोरी वाले पार्ट को मैं जॉइंट कर ली हूँ डबल सिलाई लगा करके। अब ये हमारा दूसरा वाला कटोरी पार्ट, मैं इसे भी सिलाई लगा करके स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से पकड़ना है, एकदम नीचे के साइड से सिलाई लगाना शुरू करना है। और देखिए, इस प्रकार से पकड़ते जाना है, पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है और डबल सिलाई लगा करके इसे अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है फ्रंट पार्ट में। तो देखिए कितना सुंदर मेरा पफ बनकर आया है। अब इसका बीच सेंटर से कट कर लेना है जहाँ पर हमारी मुखाई की पट्टी जॉइंट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने बीच सेंटर से कट कर लिया है। अब मैं बेल्ट जॉइंट करूँगी। तो बेल्ट को इस तरह से रखना है, इसके बाद इस तरह से पलट देना है। इस प्रकार से पलटने से अच्छे से उल्टा सीधा आ जाता है। और देखिए, इस प्रकार से उल्टी साइड की तरफ से बेल्ट को स्टिच कर लेना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, दूसरे बेल्ट को भी जॉइंट कर लेना है। अब बेल्ट के ऊपर से एक बार सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है, जिससे क्या होगा कि बेल्ट अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। इसके बाद जो ये बढ़ा हुआ कपड़ा आया है बाहर के साइड, इसे कट कर लेना है बराबर से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट लगकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगाना है। तो काज पट्टी मैं लेफ्ट साइड लगाऊंगी और बटन पट्टी को राइट साइड लगाऊंगी, क्योंकि इस ब्लाउज में हमें बटन लगाना है। अगर आप हुक लगा रहे हैं तो देखिए, इस पट्टी को आप दाहिने साइड लगाएं, मैं बटन लगाऊंगी तो इसलिए मैं इसको बाएं साइड लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, फ्रंट पार्ट को मैं सीधा करके रखी हूँ और इसके ऊपर से डबल करके पट्टी को रख करके सिलाई लगा ली हूँ एक बार। अब इस पट्टी को इस प्रकार से पलट लेना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, इस पट्टी को पूरा पलट लेना है, देखिए, और इस पट्टी के एकदम किनारे पर सिलाई लगाना है दोस्तों, कच्चा सिलाई, और बाद में इस पट्टी के ऊपर तिरपाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा करके तैयार कर लिया है पट्टी को। अब दोस्तों बटन पट्टी लगाना है। तो जो मैंने 3 इंच चौड़ा पट्टी कर करके लिया था, उस पट्टी को ली हूँ और उल्टे साइड की तरफ से इस पट्टी को स्टिच करती हूँ। इसके बाद देखिए, इस पट्टी को पलट लेना है इस प्रकार से और सिलाई लगा लेना है।
इसके बाद देखिए दोस्तों, आप सीधी साइड की तरफ से इस प्रकार से पट्टी को पकड़ना है, फोल्ड करना है और देखिए इस प्रकार से दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। जो सिलाई मार्जिन वाला फैब्रिक था उसको अंदर करते हुए, तो इस प्रकार से हमारी बटन पट्टी भी लगकर तैयार हो जाएगी। और इसके बीच में और एक बार सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। फोल्ड करना है तो देखिए, कपड़े को फोल्ड करने के लिए ऊपर से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए नीचे तैयार लंबाई 12.5 इंच थी, तो 12.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद देखिए, ऊपर साइड आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए और नीचे से 7 इंच पर मार्क कर लेना है, क्योंकि पट्टी हमारी 7 इंच की होनी चाहिए। इसके बाद दो बार फोल्ड करना है, एक बार आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है और एक बार 1 इंच के हिसाब से कपड़ा फोल्ड कर लेना है। और देखिए इस प्रकार से एक बार कच्चा सिलाई लगा लेना है। बाद में यहाँ पर तिरपाई करना होता है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स, दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। फ्रंट पार्ट तैयार हो चुकी हैं, बैक पार्ट लेना है और तैयार करना है। तो सबसे पहले टक्स लगाना है। तो देखिए, जहाँ पर मैंने टक्स के लिए निशान लगाया था वहाँ पर कट लगा करके और इसका निशान ले ली हूँ। इस प्रकार से देखिए, डबल करके निशान ले लेना है और देखिए इस प्रकार से डॉट बना लेना है। और यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, 1 इंच की हमें टक्स लगानी होती है, तो डबल में कपड़ा है इसलिए आधा इंच के हिसाब से कपड़ा लेते पकड़ते हुए और दोनों टक्स को लगा लेना है। इस प्रकार से हमारी 1 इंच की टक्स बनकर तैयार हो जाएगी। अब कमर पट्टी लगाना है। तो कमर पट्टी लगाने के लिए मेरे ब्लाउज में थोड़ा कपड़ा कम था, तो मैं देखिए दूसरे कपड़े से यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊंगी। फोड़ा हो जाएगा अंदर के साइड, बाहर के साइड दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, सीधा करके हमें बैक पार्ट को रखना है और इसके ऊपर से पट्टी को रखना है और एक बार सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। अब दोस्तों, इस पट्टी को सीधा पलट लेना है और इसके ऊपर यानी पट्टी के ऊपर एक बार सिलाई लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, इस प्रकार से पट्टी को पहले आधा इंच फोल्ड करना है और एक बार पूरा पट्टी को फोल्ड कर लेना है। देखिए इस प्रकार से, और पूरा पट्टी में सिलाई लगा लेना है। कच्चा सिलाई लगाकर स्टिच करना है दोस्तों, ताकि बाद में तिरपाई लगा करके और इस कच्चे वाले सिलाई को खोलकर निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों, बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। तो इस प्रकार से सीधा करके हमें पहले बैक पार्ट को रखना है और इसके ऊपर से फ्रंट पार्ट को रखना है और शोल्डर में सिलाई लगाकर स्टिच कर लेना है। और इसे इस प्रकार से घुमाते हुए डबल सिलाई लगा लेना है और दोनों साइड अच्छे से टाके बांध देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे शोल्डर की जॉइंट हो चुकी है। अब इसमें हमें स्लीव्स की जॉइंट करना है। तो स्लीव्स को जॉइंट करने से पहले आपको पहले नाप लेना है फिटिंग के साइड से, ताकि हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो उसे छाट करके बराबर कर लेना है। तो मेरा बराबर है दोस्तों। तो देखिए, मैंने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है, पॉप स्लीव्स बनाई हूँ। और जब मैं ब्लाउज कटिंग की थी तो मैं नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग बताई थी,
अब दोस्तों जो शोल्डर में मैं सिलाई लगाई हूँ उसी शोल्डर के पास स्लिप्स को रखना है और देखिए इस प्रकार से सिलाई लगा करके स्टिच कर लेना है। दो डबल सिलाई लगा करके स्टिच करना है दोस्तों। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नया है चैनल दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लिप्स लगाकर तैयार कर ली हूँ। इसी प्रकार से दूसरे स्लिप्स को भी स्टिच कर लें। अब दोस्तों फिटिंग वाले साइड हमें सिलाई लगाना है तो पहले ऐसे ही सिलाई लगा लेती हूँ, बाद में फिटिंग का सिलाई लगाऊँगी नाप करके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक आया है बाहर के साइड, इसे छाट करके बराबर कर लेना है। तो फ्रेंड्स सिलाई लगाने के बाद सिलाई को बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से नापना है पूरे चेस्ट को कि कितना चेस्ट है फ्रंट साइड की तरफ से और बैक साइड की तरफ से नाप लेना है पहले। तो इस प्रकार से हमारी चेस्ट है 39 इंच और हमारे फिटिंग चेस्ट हैं 34 इंच। तो 39 में 34 को माइनस करना है तो माइनस करने के बाद 5 इंच आएगा, तो वही 5 इंच का चौथाई हिस्सा निकालना है। तो चौथा हिस्सा निकालने पर 1 इंच 2 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच 2 पॉइंट पर मार्क कर लेना है। और स्लिप्स की राउंड थी 11 इंच, तो इस प्रकार से डबल में 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। और इसी प्रकार से कमर को भी नापना है जिस प्रकार से मैंने चेस्ट को नापा था। तो अगर आप दोस्तों इस प्रकार से फिटिंग का निशान लगाएंगे तो आपका ब्लाउज में के फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों साइड फिटिंग के निशान लग चुकी हैं। अब इसे सीधा कर लेना है इस प्रकार से और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेना है दोनों साइड की तरफ से। डबल सिलाई लगा लेना है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग का सिलाई लगा लिया है और इस प्रकार से हमारा ब्लाउज बनकर आया है। अब हमें सिर्फ गले पर पट्टी लगाना है। तो गले पर पट्टी नहीं फ्रेंड्स, मैं पाइपिंग लगाऊंगी सिर्फ कपड़े से। तो चलिए मैं इस ब्लाउज में मैं कपड़े से पाइपिंग लगाना सिखाती हूँ किस प्रकार से पाइपिंग लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बटन पट्टी काज पट्टी को इस प्रकार से बराबर से रखते हुए और बराबर से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग को लगाने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ा पट्टी कट करके ली हूँ और ये भी पट्टी कट करके ली हूँ दोस्तों, जिससे गला अच्छा बैठता है। और इसे डबल पहले रखना है सीधी साइड की तरफ से ब्लाउज के, और बटन पट्टी के साइड 1/2 इंच कपड़ा बाहर निकालते हुए और देखिए इस प्रकार से डबल करते हुए पट्टी को सिलाई लगा लेना है पूरा में, पूरे गले पर सिलाई लगा करके स्टिच कर लेना है एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी पर सिलाई लगा कर स्टिच कर लिया है और देखिए अब पाइपिंग लगाना है। तो इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करना है और बाहर के साइड थोड़ा थोड़ा पाइपिंग निकालते हुए अपने हिसाब से और सिलाई लगाते जाना है। एकदम पाइपिंग के पास में ही सिलाई लगाना है दोस्तों। आपको जितना आप अपने अनुसार मोटाई या पतला पाइपिंग लगा सकते हैं इसी तरीके से। इसमें कोई डोरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े की से आप पाइपिंग बना सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं कि जो बाहर के साइड मार्जिन था वो भी मार्जिन वाला फैब्रिक इसी में पाइपिंग में फोल्ड होते जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने एक बार सिलाई लगा लिया है और फिर पलट करके उल्टी साइड की तरफ से 2 पॉइंट की दूरी पर और एक सिलाई लगा लेना है पूरे गले पर पाइपिंग के ऊपर।
अब दोस्तों यहीं पर डोरी लगाना है, जो ये शोल्डर का सिलाई है ना, शोल्डर के सिलाई के पास से इंची टेप को रख करके नाप लेना है 2.5 इंच नीचे, 2 से 2.5 इंच नीचे आप डोरी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इस प्रकार से डोरी लगा देती हूँ, अच्छे से पक्का करके सिलाई लगा लेना है डोरी के ऊपर। दोस्तों मैं जिस प्रकार से पाइपिंग लगा रही हूँ, आप भी उसी तरह से पाइपिंग लगाएं, पूरा फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनकर तैयार होता है सिर्फ कपड़े से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पाइपिंग लगकर तैयार हो चुका है ब्लाउज में, कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा है। और यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो और सुंदर से मेरा ब्लाउज दिखेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।